गाइस अगर मेरे यूट्यूब चैनल 10 मिलियन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज कर जल्द से मेरे यूट्यूब 10 मिलियन को सब्सक्राइब करना महत्वपूर्ण और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना। ये आज मैं आपको एक अपकमिंग फोन जो मार्च में आने वाले हैं उसके लिए एक मैं वीडियो लेकर आया हूँ, तो प्लीज कर जल्द से मेरे यूट्यूब चैनल 10 मिलियन को सब्सक्राइब करना महत्वपूर्ण और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, तब से आपको हर एक लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। तो वीडियो को मैं देरी ना करता हूँ, वीडियो करता हूँ स्टार्ट। आज आपको मैं बताऊंगा मार्च में जो फोन आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप अलग अलग ब्रांड के फैन, अगर आप शॉपिंग वाले फैन है उसका मोबाइल फैन है वीवो ओप्पो या असूस की फैन है तो प्लीज़ गाइस स्किप बिल्कुल मत करना। तो मैं अगर फर्स्ट फोन की बात करूँ तो आपको पता ही है कि 4 मार्च कल को शॉमी रेडमी नोट 10 प्रो 5G लॉन्च होने वाला है 12 बजे। अगर वो देखना चाहते हैं तो आप उसको यूट्यूब पर लाइव देख सकते हो। लॉन्चिंग शोमी रेडमी नोट 10 सीरीज लॉन्च होने वाली, रेडमी नोट 10 बहुत पहले आ चुका है, रेडमी नोट 10 के 5G चार्ज हो सकता है। अगर इसकी मैं बैटरी की बात करूँ तो आपको 5050 मतलब कि आपको 5000 की बैटरी मिल सकती है और 64 to 6 GB रैम तक इसको मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं इसकी फुल डिटेल में एक वीडियो बनाओ तो प्लीज़ कर मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो नेक्स्ट फोन की अपकमिंग फोन की बात करूँ शॉमी का रेडमी नोट 9 प्रो 5G, इसकी मैं प्राइस नहीं बताऊंगा, इसका प्राइस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसकी प्राइस क्या रहने वाले हैं। अगर वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस जल्दी से मेरे यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना मत, 10 मिलियन यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। थर्ड फोन की बात करूँ, अगर आपको पता ही है कि शॉमी का लेजेंड फोन आने वाला है, इसका नाम है शॉमी मी 11। अगर इसकी प्राइस की बात नहीं, अगर मैं इसके बैटरी की बात करूँ तो आपको 4600 mAh बैटरी और 8 GB तो 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। और अगर मैं फोर्थ फोन की बात करूँ तो गाइस आपको सैमसंग गैलेक्सी A52 ये भी शायद लॉन्च होने वाला है मेरी मार्च में, लगता हो चुका है कि नहीं ये मार्च में होने वाला है। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो आपको 4500 mAh बैटरी और 8 GB रैम तो 5 GB डाटा स्टोरेज मिल जाएगी। अगर ट्रैफिक की वजह आपको कुछ सुनाई लगती है तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में करना, आपके लिए वहाँ पर आंसर देखकर रखिएगा। फिफ्थ फोन की अगर मैं बात करूँ तो शॉमी का रेडमी नोट 10 प्रो रेडमी नोट 9 प्रो रेडमी नोट 10 आई रेडमी नोट 10 टी। शॉमी चाहता क्या इतने सारे रेडमी के, चलो रेडमी नोट 10 ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर है। अगर इसकी बैटरी की बात करूँ तो 5000 बैटरी में लेकिन 4000 4 GB रैम 64 इंटरनल स्टोरेज। तो नेक्स्ट फोन की बात करते हैं OnePlus 9, ये आ रहा है मुझे लगता है ये लॉन्च इसके बारे में आपको बताने हैं जो आपका भी फोन आने वाले हैं OnePlus 9 Pro। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी। अगर इसकी रैम की बात करूँ तो आपको ये 8 GB रैम तो 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिल सकती है। तो नेक्स्ट फोन की अगर बात करें शॉमी का शॉमी रेडमी K40 ये अपकमिंग फोन आने वाला है। अगर इसकी प्राइस नो से बात करते हैं इसके बैटरी की, आपको बैटरी मिलेगी 4520 mAh बैटरी और इसके अगर रैम की बात करें 6 GB रैम तो 5 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। तो अगर मैं आप अपनी फोर्थ फोन की बात करो तो शॉमी का रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स वही आएगा, रेडमी नोट 10 रेडमी नोट लाइट ऐसे तीन फोन आएंगे, वैसे रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स है। तो नेक्स्ट फोन की बात करो Realme 8 Pro जो अपनी फोन में आने वाला है, मुझे लगता है उसकी बैटरी की बात करो आप 4500 mAh की बैटरी 6 GB रैम 5 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। तो अब कभी Asus की फ़ोन की बात करें, अगर आप Asus फ़ोन लेना चाहते हैं Asus ROG Phone 5 ये अपकमिंग फोन है। अगर इसकी बैटरी की बात करो आपको 6000 mAh बैटरी मिलेगी
8GB रैम और 128GB तक इसको डाला सोने, आप इसमें गेमिंग आसानी से खेल सकते हैं कि 8GB तक इसमें रैम है। तो रियलमी का जो अपकमिंग फ़ोन आने वाला है तो रियलमी GT 5G की अपकमिंग फ़ोन है। अगर इसकी मैं बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh बैटरी मिलेगी और 12GB रैम, 12GB रैम और 256GB तक आप इंटरनल स्टोरेज देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट फोन की बात करूँ तो मोटोरोला HSJ अपकमिंग फोन है, मुझे लगता है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और 5000 mAh बैटरी के साथ ही आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं अपकमिंग फोन की, रियलमी क्यू 2 की अपकमिंग फोन है। अगर इसकी मैं बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh बैटरी, तो 128GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम के साथ ये आ रहा है। तो अपकमिंग फोन, नेक्स्ट फोन की बात करें वन प्लस नोट N100, ये वन प्लस का अपकमिंग फोन है। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh बैटरी और 4GB रैम तो 64GB इंटरनल स्टोरेज तक मिल सकती है। अब आ जाते हैं ओप्पो, ओप्पो के फोन, अगर आप ओप्पो के फैन हो तो आप ध्यान से ओप्पो का K7 Multiple 5G की अपकमिंग फोन है। अब ये लॉन्च होगा जो मुझे कम नहीं पता, इसकी प्राइस का मैं कुछ नहीं बता सकता। नेक्स्ट वीडियो जब ये लॉन्च होता तो मैं इसकी एक फुल वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। सैमसंग की बात करते हैं, सैमसंग का अपकमिंग फोन है सैमसंग गलेक्सी A42। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ 5000 mAh बैटरी, 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो सैमसंग का अपकमिंग फोन एक और है सैमसंग गलेक्सी M12, ये अपकमिंग फोन है, इसका प्राइस बहुत कम है। अगर बच्चों के सामने फोन अगर लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ 6000 बैटरी, 4GB रैम, 64 इंटरनल स्टोरेज, तो जाइए मैंने फोन बता दी। एक मिनट में ज़्यादा जो अपकमिंग फोन आने वाले हैं फिर से थाना से सुनना अगर कोई मिसिंग है। फर्स्ट फोन की बात करें शॉमी का रेडमी नोट 10 प्रो की अपकमिंग फोन है। बात रेडमी शॉमी का रेडमी नोट 9 प्रो 5G, शॉमी मी 11, सैमसंग का गलेक्सी A52, शॉमी का रेडमी नोट 10, वन प्लस नाइन प्रो, शॉमी का K14 एंड शॉमी का रेडमी नोट 9 5G और Redmi Note 10 Pro Max, दिस अपकमिंग फोन इंडिया, अपकमिंग फोन फ्रॉम द Samsung, Apple, Oppo, Micronax, OnePlus, Xiaomi, LG, Vivo एंड अदर टॉप ब्रांड भी इंक्लूड इस अपकमिंग फोन लिस्ट अबव। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है जो अपकमिंग फोन आने वाले हैं, शायद मार्च में भी आ सकते हैं, अप्रैल में भी आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देकर आता रहा तो प्लीज़ कर जल्द से, मैं यूट्यूब पंजाब वाला नहीं, वो मेरा ओल्ड चैनल है, मुझे बार बार मूवी भूल जा रहा है, जल्द से मेरी यूट्यूब टैन मिलियन को सब्सक्राइब करना मत भूलो। साथ साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपकमिंग फोन के साथ। जाते जाते लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।